मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में सम्पन्न हुआ। तहसील दिवस में शासन के निर्देशानुसार COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए फरियादियों की फरियाद सुना गया तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि समाधान दिवस में पुलिस और बिजली विभाग सहित भूमि और राजस्व विभाग के मामले सामने आए। एसडीएम सदर ने बताया कि कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, शेष मामलों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, इसको वापस करा लेंगे, इसको वकील साहब इसको जो कर रहे हैं कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है। थाना कौन सा है? गुलरिया, ऐसो गुलरिया, थाना गुलरिया। ये तो मैंने देख लिया सर, आपको लगता है कि वो है तो आपको ये तो काफ़ी है, नहीं ये तो अलग पटेल है, उससे संबंध में उसको दो भाई हवा, तो दो भाई ने एक बाप तीन भाई, हम अकेला अपने बाप के ही अपनी बेटी रह लिए। गाली मांग रहा है, वो कर रहा है। आई आन के ऊपर नाम ले 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 रहा, बस सोरा पर सोरा की तम के तम लड़के बचे हुए। अब पटीदार लोग पर उसे रुका तो हमार हमार सारा गालियां है। अब बोले थे डंडा लेके मारे, कौन है वो मेरे चाचा लड़का है, भाई साहब ने घर के डर के मारे ना तुम ठीक नहीं बा ये मारे हम बोले खाना गीदा जाइए कर रहा हूँ हमारे जगह कौन सा स्कूल है कर रहा हूँ जब पाँच साल निकल कर पाल कर लीजिएगा एक पालों का एक पाल का पता है बगल वाला है शंकर गुप्ता, रिपोर्ट ही नहीं आपके पास आई है, हमारा आदेश कैसे? तहसील दिवस का आज यहाँ पे वीर बहादुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। अधिकतर शिकायतें पुलिस एवं बिजली विभाग के द्वारा बिजली विभाग की प्राप्त हुई हैं। मौके पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि फरियादियों का त्वरित समाधान किया जा सके, और शिकायतें राजस्व विभाग की भी थी, संबंधित लेखपाल कानूनों को भी निर्देशित किया गया है त्वरित निस्तारण के लिए।